भारत ने बांग्लादेश से T20 सीरीज किया क्लीन स्वीप। तीसरे T20 में 297 रन बनाकर रचा इतिहास। 133 रनों से दी बांग्लादेश को शिकस्त, बनाया T20 में अपना सबसे बड़ा स्कोर। भारत ने T20 में बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। T20 में नेपाल ने बनाया है रिकॉर्ड 314 रन। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने लगाया तूफानी शतक। सूर्य कुमार यादव ने 75 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या ने 47 रन बनाए। संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव ने दूसरे विकेट के लिए की शतकीय साझेदारी। 70 गेंदों में 173 रनों की रन बनाए। बांग्लादेश के लिए तंजीम हसन शाकिब ने सबसे अधिक 3 विकेट झटके। तस्कीन मुस्तफिजुर महमूदुल्ला को 1-1 विकेट मिला। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदय ने सबसे अधिक 63 रनों की पारी खेली। लिटन दास ने 42 रन बनाए। कप्तान शंटो 14 रन बनाकर रवि बिश्नोई का शिकार बने। बांग्लादेश की टीम को पहली गेंद पर लगा झटका। मयंक यादव ने परवेज हुसैन को पहली गेंद पर दिखाई पवेलियन की राह। भारत की तरफ से रवि बिश्नोई को 3 और मयंक यादव को 2 विकेट मिला। वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी को 1-1 विकेट मिला। संजू सैमसन बने प्लेयर ऑफ द मैच। सैमसन ने अपनी 111 रनों की पारी में 11 चौके 8 छक्के लगाए। रिशद हुसैन के एक ही ओवर में 5 छक्के मारे। T20 विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीत जरूरी। शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक लीग में नहीं हारी है एक भी मैच। तीनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया 3 जीत के साथ टॉप पर काबिज। भारत के 3 मैचों में है 4 अंक। T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर टिकी नजरें। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 116 रनों का दिया लक्ष्य। न्यूजीलैंड की टीम ने 18वें ओवर में 2 विकेट पर 118 रन बनाकर जीत लिया मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टेस्ट टीम का ऐलान। रोहित शर्मा के हाथों में ही रहेगी टीम की बागडोर। जसप्रीत बुमराह बनाए गए टीम के उपकप्तान। टेस्ट टीम में शुभमन गिल, जायसवाल, ध्रुव जुरेल को मिला मौका। सरफराज खान, आकाशदीप भी टेस्ट टीम में शामिल। भारत की टीम में 4 खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया। हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, मयंक यादव, प्रसिद्ध कृष्णा होंगे रिजर्व प्लेयर। आईपीएल से पहले बदला महेंद्र सिंह धोनी का लुक। सीएसके ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। भूरे बाल, हरा चश्मा, हल्की दाढ़ी में नजर आए धोनी। जामनगर के राजा बने पूर्व भारतीय खिलाड़ी अजय जडेजा। अजय जडेजा को अगला जाम साहब घोषित किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान टीम की हार के बाद भड़के शोएब अख्तर। बोले टीम में दर्शकों से गिरावट ही दिख रही है क्योंकि जो बोएंगे वही काटेंगे। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज तेलंगाना में DSP नियुक्त किए गए। तेलंगाना DGP ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सरकार ने नौकरी देने का किया था ऐलान।